सो हेलो गाइस, लव नेक्स्ट डोर के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। सो ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें कुछ लेडीज़ दिखाई देती हैं, जिसमें से हमारे फीमेल लीड और मेन लीड की मदर्स भी होती हैं, जो कि अपने अपने तारीफ़ों के पुल बांध रही होती हैं। जिसमें से हमारी फीमेल लीड की जो मदर है, वो अपनी बेटी की काफ़ी अच्छे तरीके से तारीफ़ करती है कि मेरी बेटी, उसने अपने दम पे पढ़ाई किया है, स्कॉलरशिप लिया और उसके जस्ट वन बाद यूके में जाके भाई नौकरी कर रही है। तो हमारे मेन लीड की मदर भी वो कुछ कम नहीं, सो वो भी अपने बेटे के तारीफ में कहने लगती है कि वो भी वर्ल्ड का बेस्ट डिजाइनर है, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट से भी वो मिल चुका है। तो इनफैक्ट कुल मिलाकर दोनों के बच्चे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बट दोनों एक दूसरे की भाई तारीफ किए बगैर रह नहीं सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली हमारे मेन लीड और फीमेल लीड दोनों हैं। तो चलो ड्रामा आगे बढ़ाते हैं। सो ये इनकी दोनों की डेली की बहस होती है, दोनों और उनके दोनों फ्रेंड्स जो होते हैं उनको भी ये आदत हो चुकी होती है, तो वो बस इंजॉय करते हैं और यहाँ तक कि वो लोग शर्त लगाते हैं कि बताओ आज की बहस में कौन जीतने वाला है। सो चलिए हमारे ड्रामा के मेन लीड योंग हू से मिलते हैं। सो योंग हू को आज काफ़ी बड़ा डिज़ाइनिंग का अवार्ड मिलने वाला है, बट वो मौके पर वहाँ अभी मौजूद नहीं है। तो जो उसकी जगह पर उसका को वर्कर जो कि उसका फ्रेंड भी होता है, वो काफ़ी एक्साइटेड होता है कि अरे यार को सीओ तो मैं ही हूँ, उसके जगह अवार्ड मैं ले लूँगा तो क्या ही दिक्कत हो जाएगा, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। बट एन मौके पर वो हमारा हीरो वहाँ पहुँच जाता है और वो अवार्ड वो अपने हाथों में लेता है। और इस तरफ हमारी फीमेल लीड की मॉम जो है, उसकी अपनी बेटी की पढ़ाई करते हुए थक नहीं रही थी, वो तभी एक शॉकिंग न्यूज़ देती है, बोलती है कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है काफ़ी अच्छा लड़के के साथ और वो यूके में ही होने वाली है, मैं बहुत बड़ी पार्टी दूंगी। और वो कार्ड जो है उस हमारे हीरो की मॉम के हाथ में देती है, तो वो जब देखती है तो वो भी थोड़ा जेलस फील करती है। सो अब हमारे यून को जो कि हमारे फीमेल लीड है उससे मिलते हैं। वो अपने मॉम के यहाँ वापस होम टाउन वापस आ रही थी और वो प्लेन में ऐसे सो रही थी जैसे वो घर में सो रही है, और वो जब एयर होस्टेस उसे उठाने की कोशिश करती है कि मैम हम लोग पहुँच गए हैं, सो यून को अचानक से घबरा के उठती है और सारे पैसेंजर्स भी डर जाते हैं कि ये क्या कर रही है। तो भी यून को कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है, क्योंकि यून को अपनी मॉम को बिना बताए ही घर वापस आ रही है और उसके पास कुछ शॉकिंग सा न्यूज़ है। सो एयरपोर्ट पर यूनकू से मिलने उसकी फ्रेंड मोयून आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है क्योंकि उसने उसे भी नहीं बताया था। और जब वो बताती है कि मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तो वो भी बिलीव नहीं करती है। लेकिन जब वो देखती है कि वो तो सच में यहाँ पर आई हुई है, वो किसी काम में फंसी हुई थी, उसके चेहरे पर डर्ट भी लगी हुई थी और वो बहुत ही बड़ी मेडिसिन की एक्सपर्ट, एक डॉक्टर ही समझ लो। सो यून को जब अपने फ्रेंड के साथ अपने होम टाउन आती है, तो वो देखती है कि वो सब कुछ बदल चुका है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, क्योंकि वो बहुत ही समय के बाद वापस आ रही है। तो वो बोलती है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, चलो हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट में चल के खाते हैं। जाके वो देखती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बदल चुका होता है। सो यून को अपने फ्रेंड के साथ खाने को इंजॉय कर रही थी, तभी उसका भाई डोंग जी आ जाता है और वो उसे देख कर वो बोलती है छुप जाओ। नहीं, उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि आखिर क्या बात है, तुम उसे चिप क्यों रही हो, तुम्हें बताया नहीं कि तुम घर वापस आ रही हो। तो वो थोड़ी सी घबरा जाती है, बोलती इट्स अ सरप्राइज। अच्छा, सरप्राइज़ देना है क्या, तो चलो हम लोग मिल के साथ में सरप्राइज़ देते हैं। लेकिन उसे सरप्राइज़ नहीं देना था अपनी माँ को, वो डर रही थी। लेकिन मोयून यूनको को लेकर चले जाती है सरप्राइज़ के लिए, वो उसने ढेर सारे लोग बैलून्स लेकर। सो यूनको मोइन को कहती है कि देखो तुम मेरे साथ तो चल रही हो, लेकिन तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हारा पिंकी प्रॉमिस, तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं कसम दे रही हूँ तुम्हें मेरे घर तक चलना पड़ेगा। तो वो बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं तो तुम्हें घर तक चलूँगी, देखती हूँ तुम इन्हें कैसा सरप्राइज़ देती हो। तभी मोइन का इमरजेंसी कॉल आ जाता है क्योंकि वो एक डॉक्टर होती है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। तो वो एकदम से घबरा जाती है कि अब मैं क्या करूँ, वो तो मुझे बीच रास्ते पर छोड़ के चली गई। सो यूनको के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, तभी वो एक प्लेस को देखती है, उसे याद आता है कि बचपन में ये तो एक नहाने का घर स्वान होता था, जहाँ पर हॉट बाथ मिलता था, वहाँ पर उसकी मॉम और हमारे मेन लीड की मॉम जो है वो ज़बरदस्ती दोनों को लेकर आती थी और शेयरिंग में दोनों को एक साथ ही नहलाती थी। वो ये बात सुनकर बोलती है कि इतनी पुरानी बात है, लेकिन अभी भी मैं सोचती हूँ कि कैसे वो मुझे इतनी साथ में नहलाती थी, मुझे इस बात सुनकर ही उल्टी आ रही है, कैसी निर्दयी माँ थी मेरी उस समय। तभी वहाँ योंग हूँ हमारा पीछे से आता है और अचानक से बोलता है कौन हो, और वो जैसे पलटती है वो बोलती है उनको तुम यहाँ पर, तुम्हें तो यूके में होना चाहिए था ना। तो बोलते है इसे तुम्हें क्या लेना देना है। अच्छा लेना देना क्यों नहीं है, तुम मेरी प्रॉपर्टी में खड़ी हो क्या,
कब से ये तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई है। देन वो बताता है कि हाँ मैंने ये प्लेस खरीद लिया। लेकिन जैसे वो रोड पर आती है वो देखती है कि पीछे से उसकी मम्मी और साथ में कुछ आंटियाँ भी आ रही हैं, तो वो डर के भागने लगती है आगे की तरफ। तो वो देखती है कि उसके पापा आगे से आ रहे हैं। देन वो घबरा जाती है और वो यूनको को बोलती है प्लीज़ 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 मुझे छिपा लो। वो एक कुटन के नीचे चले जाती है, बोलती है प्लीज़ इस बार मुझे बचा लो और किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज़ मेरा एक एहसान कर दो। सो यूनहू भी ऐसा ही करता है, वो उसे बचाने के लिए बहुत प्रयास करता है और उसे बचा भी लेता है। जब उसके पिता बोलते हैं कि लाओ मैं तुम्हारी शिफ्टिंग में मदद करता हूँ, वो कोसन को उठाने लगते हैं लेकिन वो उसे फिर भी बचा लेता है। लेकिन जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो जब वो बाहर निकलने लगती है तो बोलती है मुझे बाहर निकलने दो। देन वो पूछता है सच सच बताओ तुमने क्या कांड किया है जो उन लोगों से छुप रही हो। बोलता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बाहर निकले दो मुझे। लेकिन वो बोलता है कि जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं मैं तुम्हें बाहर निकलने नहीं दूंगा। देन वो क्या करती है, वो कुट को फाड़ के उससे बाहर निकल आती है। लेकिन यूनकू को अभी भी छिपना था तो वॉशरूम के बहाने उसके ऑफिस में घुस जाती है। यूनकू बोलता है मैं यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी है, और वो बार बार उससे भगाने की कोशिश करता है। लेकिन वो बात टालते हुए वो वहीं पर कुछ देर रुकने की कोशिश करती है। और इस बीच में जब यूनकू के ऊपर कुछ गिरने वाला था तो यूनकू ने उसे वहाँ से बचा लिया, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत ही भारी वाली मूर्ति गिर जाती है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। तो यूनकू जब उसे वो देखती है बोलती है रू मुझे देखने तो क्या हुआ, कहाँ चोट लगी है तुम्हें। तो जब वो देखती है तो वहाँ उसे सच में चोट लगी होती है और निशान होता है, और साथ ही साथ वो एक निशान को देखती है जो कि निशान उसे बचपन में लगा था, जो कि यूनकू को बचाने के चक्कर में ही लगा था। तो वो बोलती है कि ये निशान अब भी तुम्हारे यहाँ पर लगा हुआ है। देन यूनकू बोलता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना कोई मुसीबत मेरे ऊपर आती ही रहती है, इसीलिए यहाँ से चली जाओ। तो बोलती है हाँ हाँ परेशान क्यों हो रहे हो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और दूसरी तरफ हमें मोयून दिखाई जाती है जो कि एक पेवड़ा जो रहता है वो पी के पड़ा हुआ हो। तो वो बोलती है कि देखिए मेरे पास मेरा हाथ कैमरा लगा हुआ है तो आप कुछ भी ऐसा हरकत मत करिए, बस मुझे आपको देखना है, चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। लेकिन वो उसके ऊपर कांच फोड़कर हमला करने लगता है। तभी एक क्यूट सा लड़का जो है वो चश्मा पहने हुए वहाँ पर आता है, बोलता है कि तुम हटो वहाँ से मैं संभाल लूँगा। तो वो बोलती है क्या मैं लड़की हूँ इसीलिए ऐसा तुम बोल रहे हो। बोलते नहीं नहीं मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। और ऐसा बोल के वो उसे मारने के लिए जैसे आगे बढ़ता है भाई वो खुद ही अपने पैरों से फंस कर वहाँ पर गिर जाता है और इंक्लूडिंग उसको भी चोट लग जाती है। तो वो देख कर बोलती है क्या ये लड़का है। देन उसके बाद मयूर जो होती है वो खुद बोलती है मुझे इसे संभालना पड़ेगा, और वो एक किक मारती है और वो कांच की बोतल उसके हाथ से टूट गिर जाती है। और वो बोलती है कि असल में मैं भी एक ब्लैक बेल्ट हूँ। और वो लड़का जो है मोयून के ऊपर ऐसा फिदा जैसा हो जाता है कि ये वाह क्या बवाल लड़की है। इस तरफ यूनको अभी भी यूनकू के पीछे ही पड़ी हुई होती है, यहाँ तक कि वो बोलती है कि क्या मुझे कोई हेलमेट मिल सकता है जिससे मैं घर में बच सकूं। तो बोलती है वो बोलता है कि असल में तुम्हारे साथ हुआ क्या है बताओगे मुझे, तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। देन यूनकू अपने सूटकेस से सारे कपड़े निकाल कर पहनना स्टार्ट करती है और बोलती है कि एक काम करो मुझे मार के देखो क्या मुझे चोट लग रही है क्या। बोले तुम पागल हो गए हो क्या, बोले हाँ प्लीज़ मुझे मार के देखो ना। नहीं जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुमने क्या कांड किया तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तो यूनकू यहाँ पर गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम सुनना चाहते हो क्या है, मैंने अपनी शादी तोड़ दी है। इतना तेज बोलना ही था तभी यूनकू बोलता है तुम्हारी माँ पीछे है। तो यूनकू बोलती है हाँ अच्छा है मैं वैसे डरी हूँ, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उसकी माँ सच में वहाँ पीछे खड़ी होती है और वो सब कुछ सुन ली होती है। तो ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सो यूनकू को दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है उसे गले मिलने के लिए कि माँ मैं कोरिया वापस आ गई। लेकिन उसकी माँ वो कन्फर्म करना चाहती है कि जो मैंने अभी सुना वो सच है या झूठ है। तो वो पूछती है कि क्या तुमने जो बोला है वो सच है। देन यूनकू उसे कन्फर्म करते बोलते कि हाँ माँ ये सच है। इतना सुनते ही वो सब चौंक जाते हैं और उसके पिता के तो भाई वो सीधे बेहोश हो जाते हैं और वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। जब सब लोग उसे उठाते हैं तो वो अचानक से पूछते हैं पता है मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मैंने देखा यूनकू कोरिया आई हुई है और वो बोल रही कि उसने शादी तोड़ दिया है। तभी वो यूनकू को देखते हैं वापस, ये तो सच है क्या यूनकू ने सच में शादी तोड़ दी। और यहाँ पर उसकी माँ का पारा एकदम हाई हो जाता है, वो उसे मारना स्टार्ट कर देती हैं। यूनकू बोलती है प्लीज़ मेरी बात सुनिए क्या तू, यहाँ पर बहुत सारे झमेले स्टार्ट हो जाते हैं। तभी उसके पिता थोड़े से काबू बोलता है, बोलते हैं रुको सुनो मेरी बेटी की बात सुनो, क्या क्या उसने तुम्हें धोखा दिया, क्या उसने तुम्हें चीट किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद तो इसका मतलब तो सब बोलने लगते हैं। उसकी माँ बोलती है कि इसका मतलब तुमने उसे चीट किया।
देन ये बात सुनकर उसके पापा फिर बेहोश हो जाते हैं। फिर लोग उसे उठाते हैं और वो फिर से उठते बोलते, क्या नहीं मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। सो युनको की माँ युनको को मार रही होती है, लेकिन योंगु वो सामने आ जाता है और बेचारे की धुलाई हो रही होती है, उसकी काफ़ी ज़्यादा धुलाई हो जाती है। तभी योंगु के पापा आ जाते हैं और उसे भी एक ठो पड़ जाती है। देन उसके पापा बोलते, रुको पहले मेरी बेटी सब क्लियर बताएगी, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। देन युनको की मम्मी पूछते पूछती है, क्लियर पूरी की पूरी बात मुझे बताओ। तो वो बोलती, क्या मैं आपको बता दूंगी तो आप मुझे मारोगे नहीं? तो बोलते, हाँ ठीक है पहले मुझे बताओ तब मैं नहीं मारूंगी तुम्हें। देन उसके बाद युनको एक और बड़ा सा बम फोड़ती है। वो बोलती है कि मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है, मैं यूके की जॉब जो है मिली थी मैंने उसे भी छोड़ दिया। ये सुनकर उसके पापा अगेन वो बेहोश हो जाते हैं कि ये आज क्या क्या धमाका करने वाली है। इतना सुनते ही भाई उसकी माँ का पारा फिर से हाई हो जाता है और वो उसके ऊपर फिर से चढ़ बैठती है कि अब मैं तुम्हें पक्का नहीं छोड़ूंगी नहीं। सो युनको है युनहो के हाथ पकड़ के वहाँ से बहुत तेज़ी में भागती है, क्योंकि उसे पता था अगर उसकी माँ के हाथ में वो आ गई तो वो उसे कच्चा खा जाएंगे। सो भाई पहला एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म होता है, एपिसोड काफ़ी धमाकेदार है। सो आई होप हम लोग ड्रामा सारे के सारे अब कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई नया ड्रामा चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब, सी यू अगेन इन अनदर वीडियो, बाय बाय।